जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, हम जोलॉजी फॉर्म्स एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। जोलॉजी बी हम पार्ट टू में हम देख रहे हैं ADS, और चैप्टर नंबर 36 है, और जोलॉजी मिलर एंड हार्ले फिफ्थ एडिशन का पेज नंबर है 626। तो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास गैस ट्रांसपोर्ट। देखिए, साइट ऑफ गैस ट्रांसपोर्ट जो है वेरियस बॉडी सेल्स में मुख्तलिफ है, ठीक है, वेरियस बॉडी सेल्स में मुख्तलिफ तक हमने पहुंचानी होती है। यानी कि हमारा जो लंग्स हैं, लंग्स तक ये हम कहते हैं कि लंग्स जहां पे साइट ऑफ गैस एक्सचेंज होती है, वहां से जितने भी बॉडी टिश्यूज़ हैं, बॉडी सिस्टम्स हैं, उनके जो सेल्स हैं, उन तमाम सेल्स तक हमने गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना होता है। एज वेल वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको वापस भी लेकर आना होता है टू द साइट फॉर गैस एक्सचेंज, जहाँ से हम उसको बाहर एक्सपेल आउट कर सकें, गेट रिड कर सकें। यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। हमारे पास बहुत से सिस्टम्स मौजूद हैं, जैसे कि ट्रेकियल सिस्टम है आर्थ्रोपॉड्स के अंदर, क्यूटेनियस स्किन के थ्रू, यानी कि हम एपिडर्मस से रेस्पिरेशन ले सकते हैं, और गिल्स एक्सचेंज जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो तमाम एक्वेटिक गिल्स को इस्तेमाल करते हैं, लंग्स टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल हो जाता है। तो यानी कि ये ट्रेकियल, क्यूटेनियस एक्सचेंज, गिल्स, लंग्स, ये हमारे पास मुख्तलिफ क्या हैं, सिस्टम्स मौजूद हैं इनको गैस एक्सचेंज के लिए। एज वेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ट्रेकियल इस्तेमाल किया जाता है, बाकी भी इसमें ब्लड इन्वॉल्व होता है या अदर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब जैसे ही एनिमल साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, क्योंकि बॉडी मेटाबॉलिज्म क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। यानी कि एनिमल्स का साइज़ बड़ा होगा, रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होगी, बॉडी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा, और कंसिक्वेंटली बर्ड्स के, एनिमल्स के अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है। रेस्पिरेटरी तो रेस्पिरेशन के लिए है ही, लेकिन उसके साथ साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ये एवोल्यूशनरी नतीजा है कि जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होती है, बेसिक मेटाबॉलिक इंक्रीज़ होता है, तो फिर ही सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर डेवलप हुआ है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड मौजूद होता है। ये सर्कुलेटरी फ्लूइड आप जानती हैं, या तो ब्लड है, ठीक है, हेमोलिम्फ है, इस तरह का जितना भी पोर्शन है वो सारा इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब एड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। एज वेल हम ये देखें तो ये ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं। बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इसी की मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं। बॉडी फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कहते हैं दैट इज़ बॉडी फ्लूइड जो है दैट इज़ नॉट इनफ टू ट्रांसपोर्ट द सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज द लो सॉल्युबिलिटी। बॉडी फ्लूड, जैसे मैंने ब्लड और हीमोलिम्फ की बात की, वो कहता है कि ये काफ़ी नहीं है कि हम न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकें, बल्कि इसके साथ साथ में हमें कुछ और भी चाहिए, ये नॉट इनफ, नॉट सफिशिएंट। फिर इन्हीं के अंदर इसी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इवॉल्व होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आप जानते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि गैसेज की ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। इनके साथ रिवर्सिबली बाइंडिंग होती है लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ऑक्सीजन की। रिवर्सिबली का मतलब यह है कि बाइंड कर सकती है और फिर वापस रिलीज भी हो सकती है, यानी कि इन सब्सटेंसेस के साथ। इस तरह से हम देखें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं और टेम्पररी स्टोर भी करने की सलाहियत रखते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक द मेटेलिक कॉपर एंड आयरन आइंस, इस तरह के आइंस वगैरह हो सकते हैं। अब पिगमेंट्स क्या करती हैं, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसके साथ बाइंड कर जाते हैं, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो उस ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। इस टॉपिक में हम यहाँ तक क्या देखा है, हमने देखा है कि हमने ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक करनी थी, कौन से सिस्टम्स हैं, फिर रिक्वायरमेंट हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की पड़ी। सर्कुलेटरी सिस्टम जो था इसमें बॉडी फ्लूइड नॉट इनफ टू कैरी ऑक्सीजन, लो सॉल्युबिलिटी की वजह से। फिर इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट डेवलप हुए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो उसके साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो उसको रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं।
अब हमने देखना है कि मोस्ट कॉमन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स यूज़ होते हैं वो कौन से हैं। तो ऐसे फोर मोस्ट कॉमन जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले हीमोग्लोबिन है, जिसे हम HB भी लिखते हैं, हीमोग्लोबिन। ये रेडिश कलर का होता है जब इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है, वैसे ये रेड कलर का होता है जैसे ये ऑक्सीनेटेड होता है, तो ये ब्राइट रेड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि नॉर्मली कलर इसका रेड होता है, जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करती दैट इज़ अ ब्राइट रेड कलर बन जाता है। इसके अंदर आयरन होता है और ये फाउंड वैरायटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी मौजूद होता है, जैसे कि प्रोटोजोन्स, प्लेटीहेलमिंथीज, निमर्टियंस, नीमाटोड्स, एनिलेट्स, क्रस्टेशियंस, मोलस्क्स एंड सम इंसेक्ट्स में भी ये मौजूद होता है। मतलब दैट इज़ प्रेजेंट इन अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये मौजूद होता है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये सजेस्ट करता है कि हीमोग्लोबिन जो है दैट इवॉल्व वेरी अर्ली इन एनिमल्स। तकरीबन ये तमाम एनिमल्स में है, तो ये चीज़ सजेस्ट करती है कि दैट इज़ डेवलप्ड इन मैनी अदर एनिमल्स। ये बहुत एनिमल्स में डिस्कवर हुआ है और ये बहुत अर्ली इन लाइफ, एनिमल लाइफ में ये बन चुका है। अब सम टाइम ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर फिक्स होता है, जैसे मैमल्स की अगर हम बात करें, या फिर ये ब्लड के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, डिजॉल्व होता है, या फिर ये सिलोमिक फ्लूइड जो सिलोम के अंदर मटेरियल होता है उसके अंदर डिजॉल्व होता है। जी, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है हीमोसाइनिन। देखिए हीमोसाइनिन जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन मोलस्कस, क्रस्टेशियंस, इसके अंदर कॉपर होता है। ये कौन कौन से कंपोनेंट्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, दैट्स ऑन MCQ लाइक। ये ब्लूइशन कलर होता है, ये भी MCQ है। ये हीमोलिम्फ के अंदर डिजॉल्व होता है। अब हीमोसाइनिन जो होते हैं टेंड टू रिलीज ऑक्सीजन मोर इजिली देन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के निस्बत इसमें ऑक्सीजन को रिलीज़ करने की सलाहियत जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होती है वो तो डिपेंड करता है ना कंसनट्रेशन के ऊपर कि अगर ज़्यादा होगी कम होगी फिर ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन ये इसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि ये ईजिली हीमोग्लोबिन के निस्बत ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और रिलीज़ कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हेम एरिथ्रिन। ये हेम एरिथ्रिन जो है इसके अंदर एक तो पहली बात आयरन होता है Fe ferrous, दूसरा ये पिंक कलर में होता है जब ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, इट्स न्यूक्लेटेड सेल्स, ये न्यूक्लेटेड सेल्स के अंदर मौजूद होता है, ये फ्री बॉडी फ्लूइड्स में मौजूद नहीं होता, ना ही हेमोलिम्फ में, बल्कि ये न्यूक्लेटेड सेल्स के अंदर मौजूद होता है। स्पंकुलन्स, प्राइपलेट्स, ब्रैकियोपॉड्स, सम पॉलीकिड्स के अंदर ये मौजूद होता है। नेक्स्ट है क्लोरोक्यूरोडिन। क्लोरोक्यूरोडिन जो है इसके अंदर भी आयरन होता है, दैट्स ग्रीन विद लो ऑक्सीजन एंड रेड विद हाई ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी होगी ग्रीन होगा, जब ऑक्सीजन की ज्यादा होगी तो ये रेड कलर का होगा। सेवरल फैमिलीज हैं पॉलीकिड्स की जिनके अंदर ये मौजूद होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन राइजेज ड्यू टू द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं तो वो राइज ज़्यादा हो गई क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो इनमें डेवलप हो गया था। अब ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट बॉडी फ्लूड में या ब्लड में था, सो दैट्स वाई दैट्स एन इनफ ऑक्सीजन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स। ये होती कैसे है, ये बाइंड करते हैं इन पिगमेंट्स के साथ और आगे ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोनेट आइंस की फॉर्म में ट्रांसमिशन होती है। ये कार्बोनिक एसिड और ये कार्बोनेट आइंस, बाइकार्बोनेट आइंस, ठीक है, इसकी फॉर्म में ये ट्रांसमिशन होती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ये कार्बोनिक एसिड से आगे फिर एच पॉजिटिव रिलीज हो जाता है और नेगेटिव आइन जो हमारे पास डिवेलप हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम टाइंग अप कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आइन। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है दैट विल बाइंड विद रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू अनदर फॉर्म। यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम टाइंग अप कर देते हैं अदर फॉर्म्स लाइक दैट बाइकार्बोनेट आइंस एंड कार्बोनेट आइंस, जिससे ओवरऑल कैरिंग कैपेसिटी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आप देखिए ना, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पे वो बाइंड करेगी हेमोग्लोबिन या अदर पिगमेंट्स के साथ और इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको टाइंग अप कर देते हैं तो ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी यहाँ पे, और यहाँ से ये एंजाइम, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं, ये लंग्स तक जाएंगे और लंग्स तक पहुँचने के बाद वापस ये सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये इस तरफ अगर हम देखें जो चलता है, ये टिश्यूज से लंग्स की तरफ जा रहे हैं
फॉरवर्ड और रिवर्स अगर हम देखें तो ये रिवर्स अगर हम देखें तो वहाँ पे फिर ये बाकी जो है वो ये रिएक्शन जो हो गया, जब ये बाइकार्बोनेट आयन्स लंग्स तक पहुँच जाएंगे तो लंग्स पे पहुँचने के बाद फिर ये लंग्स से ये रिएक्शन वापस कन्वर्ट होगा किस फॉर्म में, किस फॉर्म में लंग्स तक पहुँचने के बाद ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे लंग्स तक पहुँचने के बाद ये रिएक्शन रिवर्स होगा तो ये वापस क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। मतलब टिश्यूज़ पॉइंट पे क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगी, बाइकार्बोनेट आयन बन ये कार्बोनिक एसिड बनेगा, बाइकार्बोनेट आयन पहुंच जाएगा लंग्स तक, लंग्स पे पहुंचने के बाद ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और वापस कार्बन डाइऑक्साइड, वापस कार्बन डाइऑक्साइड वापस यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो टिश्यूज़ पर होगा और जो रिवर्स रिएक्शन है वो कहाँ पर होगा, वो लंग्स पर होगा। इस तरह से ओवरऑल कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाता है। यहाँ पे हमने अभी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट दोनों को देख लिया है। अब होता कुछ यूं है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनमें प्रॉपरली कार्बन डाइऑक्साइड को आगे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन लंग्स तक लाया जाता है या गिल्स तक या जहाँ पे भी है ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूज हो जाती है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमने बात की इंसेक्ट्स की, तो उनमें ट्रेकियल सिस्टम है और वो ट्रेकियल सिस्टम आगे तक हर टिश्यूज तक जाता है, वो हर टिश्यूज से आगे फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करके वापस लाता है। तो मतलब कि उनके अंदर सिस्टम अलग होता है और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं इसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।